हेलो गाइस दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट को कैसे जोड़ते हैं। कई सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि बैंक अकाउंट को यूट्यूब से कैसे जोड़ते हैं, यूट्यूब हमें पैसा देता है तो बैंक अकाउंट में कैसे जाता है। तो सारे सवालों के आंसर आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक बिना स्किप किए, क्योंकि हर क्रिएटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। क्योंकि अगर बैंक अकाउंट को आप नहीं जोड़ोगे यूट्यूब से, तो यूट्यूब जो भी पैसा आपका एडसेंस अकाउंट पे देता है वो आपके बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर नहीं होगा। तो क्या तरीका, किस तरीके से बैंक अकाउंट को जोड़ते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारा सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मेरे चैनल को अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, और वीडियो कर देना ज्यादा से ज्यादा लाइक दोस्तों। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि गूगल एडसेंस जो होता है एक अकाउंट होता है। जिस तरीके हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, उसी तरीके से यूट्यूब चैनल जब हम बनाते हैं, अपने चैनल को जब हम मोनिटाइज करते हैं, तब हमें एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना होता है। जब गूगल एडसेंस अकाउंट पर $10 कंप्लीट हो जाता है, तो गूगल एडसेंस हमसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाने के बाद, हम जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर देते हैं, तो हमारे पास एक गूगल की तरफ से एडसेंस पिन आता है। पिन पोस्टमैन के माध्यम से आता है, आपके घर आएगा, एड्रेस पर आता है। तो उसका भी वीडियो मैंने लिंक पे लगा दिया है, आप इंड स्क्रीन पे देख सकते हो किस तरीके से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं, कैसे एडसेंस पिन को अप्लाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि एडसेंस पिन को हम डालते हैं और अपने एड्रेस को वेरिफिकेशन कर देते हैं। करने के बाद दोस्तों, हमारे पास जब एडसेंस वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद हमें अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना होता है। तो वही प्रोसेस आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपको बैंक अकाउंट को ऐड करना है। जब एडसेंस में आपके डॉलर आ जाता है, उसके बाद बैंक में आपके 12 से 13 14 तारीख तक एडसेंस YT स्टूडियो से एडसेंस में आता है पैसा। फिर एडसेंस से आपके बैंक में 21 22 20 तारीख को ट्रांसफर होता है। तो इसी तरीके से प्रोसेस चलता है पैसों का दोस्तों। तो पहले हमें बैंक लगाना आना चाहिए, तभी हमारे पास बैंक का हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट को ऐड कैसे करते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि यूट्यूब पे तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है बैंक अकाउंट जोड़ने का। तो दोस्तों, यूट्यूब पर बैंक अकाउंट जोड़ने का ऑप्शन नहीं आता है, आपको एडसेंस अकाउंट पर बैंक जोड़ना होता है। तो चलो दिखाते हैं वहां पर, और कई सारे लोगों का वहां पर भी एड मेथड नहीं आ रहा है, तो कैसे उसको भी सॉल्व करेंगे सब कुछ बताएंगे। तो चलो ले चलते हैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर, और दोस्तों वहां पर आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने गूगल एडसेंस को गूगल क्रोम पर ओपन कर दिया, आपको भी ओपन कर लेना। करने के बाद यहाँ पर ऊपर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर कर देते हैं क्लिक। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल कर आएगा, और यहाँ पर आपकी सारी ईमेल आईडी आ जाएंगी। जिस ईमेल आईडी से आपने एडसेंस बनाया हो, अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया, उस ईमेल आईडी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि मैं कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब मेरा एडसेंस जिस अकाउंट से बना होगा, जिस ईमेल आईडी से बना होगा, उससे लिंक होगा, तो वो ओपन कर देगा गूगल एडसेंस को। देख सकते हो यहाँ पर हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट को ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद ध्यान से समझना, यहाँ पर देखो सबसे ऊपर लिख कर आ रहा है, टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम एडसेंस यू विल नीड टू एड योर पेमेंट इन्फो एंड कनेक्ट योर साइट। तो दोस्तों, यहाँ पर एक्शन बटन यहाँ पे मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे एक्शन बटन मिल रहा है। अगर आप वाले में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, यहाँ पे जाना है, कॉर्नर पे 3 लाइन बनी हुई है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 लाइन बनी हुई है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, और नीचे यहाँ पर पेमेंट पे आएंगे, यहाँ पे पेमेंट इन्फो, इसके बाद पेमेंट इन्फो पर चले जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज खुलकर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब इंडिया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यूट्यूब इंडिया। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपके बारे में देखो, यहाँ पर अभी दिखा रहा है, यहाँ पे देखो एड पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे देखो, और यहाँ पे $11 कंप्लीट है, यहाँ पे देखो एड पेमेंट का मेथड आ रहा है। अगर आप वाले में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखना है दोस्तों, इंडिया यूएस डॉलर लगा होगा। अगर इंडिया यूएस डॉलर लगा होगा तो आप वाले में भी नहीं आएगा, देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ऐड करने के लिए अकाउंट ऐड करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा। तो हमें YouTube को लिंक करना, क्योंकि YouTube से हमारा पूरा काम हो रहा है। तो YouTube इंडिया मैंने लिंक कर दिया, और यहाँ पर देख सकते हो एड पेमेंट का मेथड आ गया है। अब इसको फिलअप करेंगे, कैसे फिलअप करेंगे ध्यान से समझना। अब इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, एड पेमेंट मेथड को क्लिक कर देंगे।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का पेज खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझ लेना, अब यहाँ पर गलती आपको नहीं करनी, अगर एक भी मिस्टेक कर देते हो तो आपका अकाउंट पे पैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपका पेमेंट होल्ड हो जाएगा, वापस चला जाएगा, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर देखो ध्यान से, सबसे पहले कह रहा है बिफेशनरी आईडी ऑप्शनल है, तो इस पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद अपने नेम ऑफ बैंक अकाउंट, जो आपका नाम हो बैंक में, अपना नाम जो पासबुक में लिखा हो वही नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद बैंक का नाम डालना है, IFSC कोड होगा आपके बैंक का, अगर आपको नहीं पता है तो आपकी पासबुक में लिखा होगा, आपकी चेकबुक में लिखा होगा, तो वहां से देख लेना। उसके बाद स्विफ्ट BIC कोड मांग रहा है, स्विफ्ट BIC कोड दोस्तों आपकी बैंक से मिलेगा, तो आपको बैंक में जाना होगा और बैंक में जाकर के आपके मैनेजर जो होंगे बैंक के, उनके पास जाकर के उनसे पूछना कि हम इस बैंक का जो हमारी ब्रांच है उसका स्विफ्ट कोड बता दीजिए। उनको बताना पड़ेगा आपको कि मेरा बाहर से पेमेंट आ रहा है, यूट्यूब से पेमेंट आ रहा है, जिसमें हमें स्विफ्ट कोड की जरूरत है, तो वो आपको अगर उस ब्रांच का होगा तो वो दे देंगे, नहीं तो वो अपने हेड ऑफिस में बात करके वहां का दे देंगे आपको स्विफ्ट कोड, तो उसी स्विफ्ट कोड को डाल लेना है। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है, मैनेजर को नहीं पता है या देता नहीं है, तब आपको क्या करना है, उसके लिए आपको लास्ट में मैंने वीडियो लगा दिया है, उस वीडियो को देख लेना है और आपको इंटरनेट के माध्यम से स्विफ्ट कोड को ढूंढ लेना है अपने ब्रांच का, समझ गया, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे, इसके बाद रिटाइप कर देंगे अकाउंट नंबर, उसके बाद यहाँ पर सेव कर देंगे, इतना करना है। तो चलो मैं इसको भर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पर अपना सारा फिलअप कर लिया है, और आप यहाँ पर मैंने इसको ब्लर कर दिया है क्योंकि पर्सनल डिटेल्स किसी की नहीं हम शो कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से भर लेना है, चेक कर लेना है कि सही होना चाहिए तो सारा सब कुछ। इसी तरीके से मैंने भी वेरीफाई कर लिया है, और करने के बाद अब यहाँ पे करना है, यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ सेव वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये देखना अभी एक्सेप्ट हो जाएगा और हमारा बैंक अकाउंट इससे ऐड हो जाएगा। अब जितना भी पैसा आएगा और इसी अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाएगा। जब यहाँ पर $100 कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर $100 कंप्लीट हो जाएगा, तब जाकर के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों इस आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से पूरा बैंक अकाउंट को जोड़ते हैं और फिलअप करते हैं, इसी तरीके से आपको भी फिलअप कर लेना है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताना, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।